हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं भी कुछ नहीं। और बताओ, ब्रेक खाना वाना हो गया तुम्हारा? क्यों, नहीं हुआ खाना ऐसे ही तुम तो सुबह उठते थे खा रहे थे। तो नहीं खाया तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं खाया? ऐसे? आज कुछ खाने का मन नहीं हो रहा क्यों, ऐसे ही। तुम्हारा और खाने का मन नहीं कर रहा? तुम्हारा शरीर का साइज देख के नहीं लगता तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं करता हो? लोगों को यही तो गलतफहमी हो जाती है, क्यों? क्यों इतना मोटा है, मतलब भर भर के खाता होगा। अरे इतना पतला है बेचारा, कुछ नहीं खाता होगा। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग एक्चुअली होती है। तुम्हारे माइंड जो एक्चुअली पतला होता है ना, वो भर भर के 6 टाइम खाना खाता है भर भर के। और जो तो मोटा होता है टोके ना, एक टाइम कर देना उसका, 6 टाइम खाने वाले का। पर रियलिटी पता है क्या होती और है? जो मोटा होता है वो बेचारा सिर्फ 2 टाइम खाना खाता है, थोड़ा थोड़ा कहीं पेट ना निकल जाए। बट पतला 6 टाइम 7 टाइम। सीरियसली तुम थोड़ा थोड़ा खाते हो? सीरियसली? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तुम मोटे इंसान की बोल रहे थे, हाँ तो मोटे सिर्फ एक इंसान, पर्टिकुलर मोटे इंसान की बात लेके चल रहे थे। हाँ उसी बात लेके चल रहा हूँ। जो भी एक मेरी नए में जितने मेरे दोस्त हैं जो ओवरवेटेड हैं, उनको मैंने देखा भाई वो इतना नहीं खाते हैं। जो पतले हैं वो दबा के खाते हैं, फिर भी वो पतले रहते वो हैं। इसके तुम्हारी, पीछे का साइंस बताओ मुझे। तुम्हें लगता है कि पतला एलेक्सा इंसान, इसके पीछे का साइंस बताओ। मैं बोलूं कि नहीं? अलेक्सा से बात कर लूं? अच्छा तुम बोलो पहले। जैसे कि तुम्हें लगता है कि पतले लोग बहुत भर भर के खाते हैं, बहुत से लोग पतले लोग भर भर के खाते हैं पर वो भर भर के नहीं भरते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत कम भी खाते हैं तब भी वो नहीं भरते। चाहे वो कितना भी खा लें वो भरेंगे नहीं, और चाहे वो कितना भी कम कर लें वो घटेंगे नहीं। ऐसा तुम्हारी होता है बात में बहुत से समझा लोगों। नहीं। तुम कितना भी कम खा लोगे तुम नहीं घटोगे। मैं जितना भी ज्यादा खा लूंगी मैं बढ़ूंगी नहीं। जब मुझे भरना हाँ होगा तो तब वही मैं तो मैं भी कह ऑटोमेटिक रहा भर हूँ, जाऊंगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं पतले खाऊं लोग चाहे भर ना भर के खाऊं, खाते हैं। चाहे मैं खाऊं चाहे मैं ना खाऊं, मैं ऐसे ही रहूंगी। और तुम तो चाहे खा लो मैं भी तो वही कह चाहे रहा ना खाओ, हूँ। तुम ऐसे ही मेरी रहोगे, माँ मैं भी तो तुम वही ऐसे हूँ। ही रहोगे। मेरी माँ मैं भी तो कुल ऐसे। मिला के साइंस इतना ही कहता है तुम ऐसे ही रहोगे। मैं तो वही तो साइंस तो कह रहा यही कह रहा हूँ, है कि तुम तो ऐसे ही जो रहोगे ना। पतले लोग कितना वजन होते हुआ हैं तुम्हारा? मैं तभी तो खाना नहीं खा रहा हूँ। खाना नहीं खा रहे हो? तुमने वजन पूछ लिया था। एक्चुअली खाना खाने से कुछ नहीं होता। खाना ज्यादा खाने नहीं से है अभी, इतना बड़ा नहीं है। 80-85 तो होगा। नहीं, 98 है। 98? मतलब 100 पार करने वाले हो? नहीं अभी 2 केजी कम है। हाँ, जल्दी कर लोगे? नहीं, अब डाउन पे जाऊंगा। चाहे वो डाउन पे को जा रहा है, 100 पार करके फिर डाउन पे जाना नहीं ना? आप सेंचुरी कंप्लीट करनी नहीं है ना अपन को, नहीं, सेंचुरी कंप्लीट हम करके फिर डाउन पे तुम जाएंगे। हम काहे को? सेंचुरी कंप्लीट करनी ही नहीं है, बोल दी मैंने। डाउन पे जाएंगे अब हम डाउन। तुम्हारी इच्छा है वो, मैं तो जी कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। क्या कहोगी तुम बताओ, क्या कहोगी? क्या कह ही सकती हूँ मैं इस बारे में? कुछ कह ही नहीं आप सकती बहुत हूँ। कुछ कह सकते हो, कहो ना क्या कह, क्या कहना चाहते हो आप, कहो। कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप तो कहोगे मैं सुनूंगा। किस किताब में लिखा है ऐसा कि और मैं कहूंगी और तुम सुनोगे? तुम एक काम करो, तुम शादी करके आ जाओ, मुझे मस्त डाइट का खाना बना के दिया करो, जो मैं खाऊंगा जल्दी पतला हो जाऊंगा। ऐसा किसने कहा है कि अगर आप शादी करके आ जाते हैं तो सिर्फ आपको वाइफ ही डाइट का खाना बना के दे सकती है? माँ नहीं बना के दे सकती? बहन नहीं बना के दे नहीं दे सकती? सकती दीदी हैं, नहीं बना के दे दे सकती सकती? हैं, सब या बना के फिर दे, भाभी नहीं बना के दे सब सकती? बना के दे सकती एक्चुअली हैं। आपका मूड ऐसा है ना कि आप किसी से बोलना नहीं चाहते हो। नहीं, सब बना के दे सकती हैं एक्चुअली। हाँ तुमने सही कहा। अब देखो बेचारी मम्मी, भाई मैं डाइट करूंगा, सब तो डाइट करेंगे नहीं। सबके लिए खाना बनाए, रोटी बनाए, ठीक है घर का काम करें, उसके बाद फिर उनसे बोलूँ कि अब चलो मेरी डाइट का खाना बना दो, तो देखो देखो देखो, मेरे तुम्हें को फिर अच्छा, अच्छा नहीं लगता। सुनना मेरी बात, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये कहना, ठीक है? और मैं खुद किचन में घुसूं तो ये मम्मी को अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो? देखो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि मम्मी इतना करेंगी तो तुम्हें देख बुरा लगेगा, ठीक है? जी जी मम्मी थक जाएगी, ये वो, तुम्हारे माइंड में बहुत जी सारे जी थॉट आएंगे, जी ठीक है? जी 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 तो मम्मी से कह दो, थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करवा दो। मम्मी तुम्हें अकेले जाने से ही तो बात मना तो वही हुई करेंगी। ना। एक मिनट, मम्मी तुम्हें अकेले जाने से ही तो मना करेंगी? जैसे कि अगर कोई सब्जियों का है तो तुम सब्जी काट दो, मम्मी बना देंगी। अगर हाँ तो बर्तन बात तो धोने वही का ना, है तो मम्मी बर्तन तुम मम्मी धो थक देना। के आई हैं, मम्मी पूरा काम थक के कर रही हैं, और फिर उसके बाद बोलूँ मम्मी अब बैठो, मम्मी मेरी डाइट बना दो। अरे तुम साथ में हेल्प करवा दो ना ऐसा। ऐसे नहीं होता ना, मेरे को ही तो काम होता है जॉब वगैरह का, तो मैं भी कैसे हेल्प करा दूंगा? डायरेक्ट बोलो ना, खुद से नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, जो बात में समझ फैक्ट गई है वो बता कैसी रहा है? हूँ। अब बहन की शादी हो गई, भाभी मायके चली गई। जिंदगी भर मायके ही रहेंगी, नहीं कभी आएंगी अभी नहीं। एक दो महीने तो रहेंगी, तो एक दो एक दो महीने महीने तक तो में, मैं डाइट नहीं करूँ, एक दो महीने पे और 2 केजी और बढ़ जाएगा, तो 100 पे जब पार वैसे करे भी हम। भाभी मायके नहीं जाती है, कौन सा तुम डाइट कर लेते हो? ये तो तुम्हें बहाना मिल गया कि भाभी मायके चली गई, नहीं जाती है तो तुम कौन सा डाइट कर लेते हो? खाना वैसे ही बना तुम के नहीं देते भाई वो। एक दिन डाइट करते हो, 10 दिन स्किप अरे करते हो। बीवी बीवी होती है भाई, तो बीवी ले आओ, फिर कौन मना करता तुम्हें बीवी लाने के लिए? कहाँ से लाऊं?
पकड़ के लिया रोड से। तुम शादी नहीं करोगी मतलब? मैं तुमसे उस दिन ही कही थी कि एक साल का मुझे टाइम चाहिए, एक साल का, एक सेकंड, तीन साल, कभी उस दिन एक सेकंड। क्या पागल वागल हो गई क्या तुम? पागल हो गई, शादी ना करने के बहाने चाहिए तुम्हें? उस दिन हमारी बात हो गई थी ना कि एक साल के अंदर मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, फिर तुम पापा से बहस कर रहे हो इसी बात पे? हाँ कर रहा हूँ बहस। करते रहो बहस। करूंगा बहस, क्या कर लोगे तुम? करते रहो बस, मुझे क्या है, तुम्हें बहस ही करनी आती है और आता ही क्या तुम्हें? हाँ बहस ही आती है मुझे, और तो कुछ नहीं आता। तुम कुछ आता है? नहीं। चश्मा लगा के पता नहीं क्या समझते हो खुद को। हीरोइन है तो समझने की जरूरत नहीं। हाँ तुम हीरोइन हो ना, मैं समझ ही नहीं रही फिर टीचर मूवी की तुम्हें लगता हो फ्लॉप मूवी की, जो कुत्ता भी देखने नहीं आता थिएटर के अंदर, कोई देखने नहीं जाता कोई भी ऐसी मूवी। जब चली जाऊंगी ना जिंदगी से, तब एक ही बार में कदर हो जाएगी सारी, जितनी बुराई करते ना उतनी सारी तारीफ में बदल जाएंगी। जितनी भी सब चीजें मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना, तुम आज तक मुझसे कभी नहीं बोलते कि तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने वो मेरे लिए, सब कहने लग जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। बदतमीज इंसान नहीं तो। अगर ये वाली लिस्ट निकालो ना तो इसमें मेरी भी बहुत सारी डायरी भरी हुई है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैं तो भूल ही गई थी। ओ मैं तो भूल गया, तो मैं तो तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो तुमने बोला तो नहीं, तो जब मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो तुम। अरे यार का क्या मतलब है जी, बता दो। सुनी पूरी बात? सुनाओ पूरी बात। तुमने पूरी बात सुनी? तुम सुनाओ पूरी बात पहले, बताओ तुमने पूरी बात सुनी जो पहले तुमने आर्गुमेंट करना चालू किया? तुमने सुनी पूरी बात? पहली बात तो जो तुमने किया अब तुम मुझे उसके एहसान गिनाओगी? मैंने तो ये भी नहीं बोला। दो इंसान दो तरीके के होते हैं, एक ना मैं एहसान गिना रही थी ना मैंने